ये रामलीला वाले पार्क में ही लगा पड़ा है, बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल है। और ये नाव रखी है। चलते चलते हमको ये गेट भी मिला है, ये इसी के अंदर है, रामलीला के अंदर। वो देखिए कितना प्यारा गेट है। आगे हमारा खाने के स्टॉल है, वो भी आपको दिखाएंगे। ये आगे सारा फूड स्टॉल है, और इस साइड में सारा गेमिंग का है, और ये साइड में सारा फूड स्टॉल है। अभी आगे चलते हैं, हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ से सारा खाने का स्टॉल है, छोले भटूरे का स्टॉल है। एलईडी टीवी लगे, हमें आगे चलते हुए ये भी दिखी है। अंदर की रामलीला शो चल रहा है, जिसमें ये फ्रूट स्टॉल है, ये आइसक्रीम स्टॉल है, तो हमको बोलते बोलते बहुत ज़्यादा प्यास लग गई, इसलिए हमने स्टॉल पर से 40 वाली बोतल का पानी लिया, और अब हम इसको पीने जा रहे हैं। और जैसे आप भी पानी पीते हैं, वैसे हम पीने जा रहे हैं। कृपया करके हमें पीने दें, और इसके बाद देखते हैं। 3 दिन से पानी नहीं पिया था, आज आके पानी पी रहे। दोस्तों, आपके लिए सारी चीजें करी जा रही है, प्लीज हमें लाइक करें। और हमारा कॉटन कैंडी का स्टॉल। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी लिल्ली घोड़ी का डांस हो रहा है।
कोने में कोने है मेरे को बंद करना है। चलो 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 आप दिखाएंगे जहाँ तक कथा हो रही है। आइए चलो 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 बेहतरीन लग रहा है जी। इधर ही गाइस रामलीला हो रही है, देखिए कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक है यहाँ पे बैठी हुई है जो रामलीला देखने आई है पब्लिक। और रामलीला ये देखिए कितनी बेहद खूबसूरत लग रही है, वाव। तो चलते हैं अब आगे। अरे चारों तरफ देखिए कितनी पब्लिक बैठी है रामलीला श्री राम जी की लीला देखने के लिए। ये देखिए मेरे चारों तरफ ये स्टेज है जहाँ पे रामलीला का शो हो रहा है और बेहद ही खूबसूरत है। अभी लाइट जलेगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। शायद हम ना रहे पर बाजा बजे तक ये चलती रहती है, कोशिश करेंगे कि हमारे सामने लाइट जल जाए। तो दोस्तों हमको घर जाना पड़ रहा है आधी दूर में ही छोड़ के, क्योंकि हमारी छोटी वाली बहन तबीयत ख़राब होने लग गई थी, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और जो भी चीज़ें बच गई पर बढ़िया है, आइए चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं, बेहद ही रोमांचक था ये सारी चीज़ें। और ये आगे चलते चलते हमको बिपरी वाला मिला है, ये देखो कैसे खा रहे हैं खाना, ये देखो पानी आ रहा है। तो फाइनल दोस्तों हम घर पे आ चुके हैं। हम पूरी रामलीला तक नहीं रुक पाए क्योंकि हमारी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमको आधे में आने लगा। पर आधे में भी हमको आपको मजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आपको मजा आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। और हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पर दोस्तों मैं दो टाइम का आपका वक्त लेना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार मैं जरूर कहूँगा कि आप भी जाइए फैमिली के संग, वक्त निकालिए और फैमिली को टाइम दिए। पूरा महीना पूरे साल और पूरे दिन काम करने का कोई फायदा नहीं है जब जाके अपने फैमिली के संग एक दिन ना बिताए। और फैमिली के दिन जो दिन बिताए हुए हैं वो हमेशा याद रखेंगे। और एक बार जरूर जाइए फैमिली को टाइम दीजिए और जाके रामलीला जरूर दिखाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति से सारी चीज जुड़ी हुई चीजें आपको यहाँ पे मौजूद होंगी। और आपके बच्चों को और आपको माता पिताओं को आपको बताना पड़ेगा और आपको भी बताना पड़ेगा। और हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने की रामलीला और रावण और राम के संग क्या हुआ था और राम ने रावण को क्यों मारा था और हनुमान ने उसकी क्यों मदद करी थी और भारत ने अपने भाई का साथ क्यों नहीं छोड़ा था और सीता ने जो एक सीता के खाते पूरे वनवास 14 वर्ष जाके अपने पति के संग गुजारी थी, वही एक सच्ची घटना और सच्ची कहानी पे आधारित है। और जो राम जी हैं वो बिल्कुल यानी हमको मरते टाइम तक हमें याद दिला देता है राम राम सत्य है। इसका भी मतलब अभी हमें नहीं पता पर इसका मतलब भी आपको हम जरूर बताएंगे। इसीलिए जाके अपने फैमिली के संग दो वक्त का टाइम जरूर दें और रामलीला जरूर दिखलाएं हमको। बस अब हम चलते हैं, ज्यादा बात ना करते हैं, मिलते हैं अब अपने अगले ब्लॉग में। आइए चलते हैं, बाय बाय। दोबारा वीडियो स्टार्ट करके आपको दो बातें और कहना चाहता हूँ, अगर आप दोस्त से भर गए हैं तो जाइए बाहर निकलिए और एक दिन की छुट्टी करिए और बच्चों को बीवी को मम्मी पापा को
जाके रामलीला दिखलाई, और ये आपके नहीं आपके देश के लिए और हिंदुत्व के लिए है। जाइए और रामलीला दिखलाइए और राम के बारे में बताइए, राम कौन थे। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।